कोर्ट में सुनवाई आज होगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई। रॉबर्ट वाड्रा और मॉरिन वाड्रा से यह मामला जुड़ा हुआ है। बीकानेर के कोलायत में जमीनों की खरीद फरोख्त से ये मामला जुड़ा है। मामले में रॉबर्ट वाड्रा और मॉरिन वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगी हुई है। तो बड़ी खबर एक बार फिर से, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। रॉबर्ट वाड्रा और मॉरिन वाड्रा इस प्रकरण में जुड़े हैं। बीकानेर के कोलायत का पूरा मामला है, जहां पर जमीन खरीद फरोख्त से यह मामला जुड़ा हुआ है। इसमें आरोप रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरिन वाड्रा पर हैं। वहीं रॉबर्ट वाड्रा और मॉरिन वाड्रा की गिरफ्तारी पर जो अंतरिम रोक है वो भी कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। भवानी जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, क्या जानकारी है, आज क्या कुछ होगा सुनवाई में, और आज जिस तरीके से सुनवाई होने जा रही है, क्या रॉबर्ट वाड्रा मॉरिन वाड्रा की भी पेशी होगी? देखिए सुमित, आपको बता दूं कि जो स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी लिमिटेड की जो याचिका है उस पर आज सुनवाई के लिए समय मुकर्रर किया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट में आज जो मुख्य बात सूची है उसमें 16 नंबर पर ये मामला सूचीबद्ध हुआ है। हालांकि जो पिछली लगातार जो सुनवाई चल रही है उसमें जो इसके लाइबिलिटी पार्टनर है रॉबर्ट वाड्रा और मॉरिन वाड्रा की जो गिरफ्तारी है उस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है। चूंकि जो एएसडी है राजदीपक रसोगी, उन्होंने पिछली सुनवाई के दौरान भी कड़ी आपत्ति की थी कि लंबे समय से इस याचिका पर जो सुनवाई है वो आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसे में आज माना जा रहा है कि जो रॉबर्ट वाड्रा, मॉरिन वाड्रा और उनके जो लाइबिलिटी पार्टनर है उनकी ओर से जो अधिवक्ता है वो आज इस मामले में बहस कर सकते हैं। हालांकि जिस तरह से राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के पूर्व में दिशा निर्देश दिए थे, जो रॉबर्ट वाड्रा और मॉरिन वाड्रा को ईडी के सामने पेश होने के निर्देश दिए थे, हालांकि उसके आदेशों की पालना हो चुकी है, वो ईडी के सामने भी पेश हो चुके हैं। तो अब कह सकते हैं कि इस मामले में आज है, लंबे समय बाद में जो है सुनवाई आगे बढ़नी चाहिए और जो उनके अधिवक्ता है वो अदालत में बहस करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए भवानी। जी मीडिया संवाददाता जानकारी देते हुए जिस तरीके से स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की याचिका पर आज कोर्ट जो है एक बार फिर से आज सुनवाई करने जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा, मॉरिन वाड्रा से ये कोलायत में जमीन खरीद फरोख से जुड़ा मामला है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर का रुख करते हैं। जब